नमस्कार, मैं केशव शुक्ला, एचओडी ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कला के विभिन्न रूपों में चित्रकारी कला का एक सूक्ष्मतम रूप है, जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। एक कलाकार अपने वर्षों की मेहनत करके, दिन रात तपस्या करके एक सफल कलाकार चित्रकार बनता है और एक छोटे से चित्र के माध्यम से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में बनाकर वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। परंतु उस कला के पीछे, उस थोड़ी सी देर की बनाई हुई चित्रकला के पीछे उसकी वर्षों की मेहनत छिपी होती है। तो इसी क्रम में मैं आज सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि सत्युग दर्शन विद्यालय फरीदाबाद तथा सत्योग दर्शन संगीत कला केंद्र ने सुर सेतु सीजन 2 नामक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो मैं सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने भी भिन्न भिन्न कलाओं में भाग लिया, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उन बच्चों को कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब मैं 3rd to 5th कैटेगरी से जिन विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है उनके नाम अनाउंस करूंगा। तृतीय स्थान प्राप्त किया है 3rd to 5th कैटेगरी से तनिरिका बंसल ने। 3rd to 5th कैटेगरी से दूसरा स्थान प्राप्त किया है सुखमनप्रीत कौर ने तथा 3rd to 5th कैटेगरी से प्रथम स्थान की विजेता हैं GGS ज्योत्सना। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। 6th to 8th जो दूसरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से तृतीय स्थान प्राप्त किया है खुशी, जो DAV की छात्रा हैं लुधियाना से। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 6th to 8th कैटेगरी से उर्वशी ने। 6th to 8th कैटेगरी से प्रथम स्थान की विजेता हैं मन्नत। आप सभी 6th to 8th कैटेगरी के विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9th to 12th कैटेगरी से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता हैं नंदिनी कुमारी। 9th to 12th कैटेगरी से जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, यानी दूसरा स्थान पोजीशन प्राप्त की है, वो है वैभव। और 9th to 12th कैटेगरी की प्रथम स्थान की विजेता हैं काम्या। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परंतु जो प्रतिभागी स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनका इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है। कारण, क्योंकि किसी कलाकार की कला मात्र किसी कॉम्पिटिशन या स्टेज के एक दिन की परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती, वह तो उसके जीवन से जुड़ी होती है। जो जैसे जैसे वो सीखता जाता है, उसको निखारता जाता है, वैसे वैसे ही वो जीवन में भी और ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाता है। तो आप सभी निरंतर अभ्यास करते रहें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।